आ चुका हूँ आज चम्बा रिवर फ्रंट के इधर की तरफ, जो कुनाड़ी की पुलिया के इधर जो गुआड़ी बनी हुई दुकान है। तो अभी काफ़ी गर्मी पड़ी और काफ़ी पसीना आ रहा है और आगे धूप से चिप आ रही है और दिखाने के लिए मतलब ये पीछे बस्ती दिख रही है मेरे और पुलिया के इधर से सामने से मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं देखने की तरफ, पूरी वीडियो देखना एक नंबर बनाऊंगा। तो चलते हैं दिखाने। देखिए चम्बा रिवर फ्रंट के जो इधर की तरफ लोहे के सामान रखे हुए हैं काम के लिए और ये एक बिल्डिंग बनी हुई ऊपर की तरफ से और ये ऊपर के हमारे जो कोर्ट बने हुए इससे मकान बने हुए हैं जो ऊपर की तरफ और ये जो देखे सामने से ये जो बिल्डिंग बन रही है मीनार जैसी बन रही, तो इसके पास भी चल के दिखाते हैं। और ये पुलिया हमारी जा रही है देखे ऐसी, उधर की तरफ में नाला भर चुका है, इसके आगे की तरफ ये कचरा नाला भरा हुआ, गंदगी भर चुकी है। उस तरफ पेड़ भी लगा रखे लेकिन गंदगी हो चुकी है, नाला आ चुका है जो बरसात लग रही है इसलिए, और मतलब काफ़ी खूबसूरत जो बन चुका है। तो आगे चल के भी दिखाते हैं। देखिए जो सफ़ेद मालवर से जो ये बना रहे हैं, ये देखिए एक बड़ी तीन मीनारें बनी हुई है, ये एक छोटी एक उससे बड़ी और उससे बड़ी भी, जो ये सफ़ेद मालवर की बनी हुई है तीन मीनारे ये जो, और ये दर बना हुआ है फुहारे टाइप जैसा, पता तो नहीं मतलब फुहारा जैसा बना हुआ है क्या बना हुआ है, मतलब एंटी के लग रहा है जो बने हुए हैं। और इधर की तरफ ये पट्टियाँ लगा दिए बैठने के लिए पार्क की तरह, वो घास वास लगी चुकी है देख दे रही है। उधर से खूबसूरत से मंजर हो चुका है, देखे कितना खूबसूरत जो लगने लगा है मंजर अपना। तो आगे भी चल के जो हमारी गुआड़ी है उसको भी दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत जो रास्ता वस्ता सब बन चुका है दिखाने में। और ये देखिए नल्ला गंदगी भरी हुई जो दिख रही होगी आपको, गंदगी भर चुके नल्ले की। देखिए जो मतलब पेड़ पौधे और काफ़ी फूल वूल लगा दिए दिख रहे होंगे, पेड़ फूल लगे हुए हमारे और गार्डन में जो लगी चुके हैं बिल्कुल गार्डन जैसा बन चुका है। तो बैराज की पुलिया पर तो जब भी सीटें लगा दिए और यहाँ पर तो सीटें पर भी लगी हुई है, क्योंकि इसलिए खुला दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बैराज की पुलिया पर सीट लगी हुई है, आपको पता है कितनी मेहनत से जुगाड़ करके दिखाना पड़ता है। और ये जो मकान बने हुए ऊपर दिख रहे होंगे कब्जे करे हुए ऊपर की तरफ, जो कोर्ट पे मकान बने हुए इन पर भी कलर हो गया, बस ये नीचे के कोर्ट पे जो दीवार पे उस पर कलर नहीं हो पाया। लेकिन कितने सारे बहुत सारे जो मकान हैं आपको दिख रहे होंगे। और ये जो बिल्डिंग है इधर की तरफ इसकी जो गुआड़ी ये दिखाएंगे और अभी गेट खुले हुए हैं तो वो परत चढ़ी हुई, तो उधर आगे चल के भी दिखाते हैं। ये जो हमारी गुआड़ी जो बन चुकी है जो कंप्लीट है पूरी, जिसके अंदर चित्र बने हुए अलग अलग तरह के, ये आपको चित्र दिख रहे होंगे गाय का शेर का घोड़े का, और ये गाय के घोड़े का चित्र बनते हुए इधर से दिख रहे होंगे पूरी तरह से, और मतलब काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत है। और ये फुहारा जो बीच में लगा हुआ है जो चल नहीं रहा अभी, और बरसात के पानी से भी भरा हुआ है ये, और काफ़ी खूबसूरती से मतलब वो सूखा जो दिखी है ये चला हुआ है, इधर से एक पेड़ सूखा हुआ है, मतलब काफ़ी खूबसूरत जो गुआड़ी हमारी लग रही है कंप्लीट हो चुका पूरा गार्डन। और आगे चल के भी दिखाते हैं जो बैराज के पानी निकल रहा है उधर की तरफ से भी, तो मतलब काफ़ी खूबसूरत जो माहौल है अपना जो देखिए कितना खूबसूरत, जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ। और गाइस जो मैं इधर से आगे से आ चुका हूँ गुआड़ी की तरफ, ये जो हमारे इधर घोड़े लगे हुए हैं ये घोड़े बने हुए इधर की तरफ, और ये डिजाइन जो दिख रही है आपको, और ये रास्ता जा रहा है, और ये हमारा जो पानी बह रहा है देखो कितनी खूबसूरती से, जो डैम का जो उन्होंने रास्ता बनाया था जो पानी बह रहा है, ये माहौल हो रहा है खूबसूरती से। और आगे चल के थोड़ा सा वो दिखाते हैं, अभी नीचे रोड जा रहे हैं हमारे पीछे घाट बने हुए इसलिए। ये देखे जो मैं आगे आ चुका हूँ इससे, देखे जो घोड़े जो दिख रहे हैं अब साफ दिखने लग जाएंगे बिल्कुल खूबसूरती से जो दिख रहे होंगे गुआड़ी को उंगालते हुए, और जो मतलब देखे कितने खूबसूरती से हो चुके हैं, और इसकी घिसाई चल रही है अभी भी काम चल ही रहा है मतलब, और इधर एक मूर्ति लगी हुई है जो दिख रही होगी आपको, और इधर की तरफ से ये देखे पानी आ रहा है जो कितनी खूबसूरती से पानी आ रहा है बैराज का, जो एक गेट खुला हुआ है मतलब काफ़ी खूबसूरत। शायद आज का भी लोग पसंद आया होगा क्योंकि मैंने एक गुआड़ी जो दिखाई आपको खूबसूरत से दिख रही होगी। तो गाइस मैं इसी वीडियो बनाता रहता हूँ बिन बूट स्पेशन, तो गाइस अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगली बार मिलेंगे तो खूबसूरत वीडियो में अगली बार, क्योंकि गाइस काफ़ी मेरा लगती है काफ़ी दूर आना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों में शेयर और कमेंट करना, अगली बार मिलेंगे तो खूबसूरत से बाय।